अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जानजेब एंड यू वॉचिंग मी ऑन माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक बड़े ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी आपको एहसास होगा कि एक जो परसेप्शन है वो बड़ी स्ट्रांग होती है दैन रियालिटी। परसेप्शन इज़ स्ट्रॉगर दैन रियालिटी। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है कि इंडिया हमारे मुकाबले में बड़ा सेक्युलर है, बड़ा रिलीजियस टॉलरेंस है उसमें, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत कितना रिलीजियसली सेक्युलर है, कितनी स्पेस देता है अपने तमाम मज़ाहिब को, अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे सामने आई। आप लोगों को शायद पता ना हो कि टाटा जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया की सबसे बड़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, और उनके बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स भी हैं। टाटा ग्रुप का ही एक ब्रांड है तनिष्क। तनिष्क बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर ज्वेलरी, लेडीज़ ज्वेलरी बनाता है, और बड़ा ही पुराना, बड़ा फेमस, माना जाना ब्रांड है। अब हम तनिष्क के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तनिष्क की एक एड 12 या 13 अक्टूबर को रिलीज़ हुई, और उस 15 सेकंड की एड ने इंडिया में फसाद खड़ा कर दिया। ऐसा क्या था उस एड में जो इतनी तबाहकारी हुई? पहले आप वो एड देख लीजिए। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपने पन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे। एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना? एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्वम बाय तनिष्क। एग्जैक्टली, ऐसा कुछ नहीं है इस एड में जिससे सेक्युलर भारत में आग लग जाए, लेकिन इतनी आग भड़की है, इतनी लड़ाई हुई है, इतना जिसे कहते हैं ना, बात वैंडलिज्म तक आ गई, बात डेथ थ्रेट्स तक आ गई, बात इस हद तक बढ़ गई कि टाटा को माफ़ी मांगनी पड़ी ऑन अ पब्लिक फोरम। यानी उनको अपना ये एड टेक ऑफ करना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी कि उन्होंने ये एड इसलिए बनाया था कि एक यूनिफाइड भारत सामने आए, एक जो सेक्युलर इंडिया की पिक्चर है उसे स्ट्रेंथ दी जाए, हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर जिएं, हंसी खुशी रहें। लेकिन किसी की दिल आज़ारी उसका मकसद नहीं था, हुआ उसके बिल्कुल ऑपोजिट। जैसा आपने ऐड में देखा है, एक हिंदू लड़की है जिसकी एक मुस्लिम घराने में शादी होती है। मुसलमान घराने को जितना प्रोग्रेसिव और जितना पॉजिटिव दिखाया जा सकता है ऐड में, उसी तरह दिखाया गया है। बहू एक्सपेक्ट कर रही है तो वो बहुत इमोशनल है, जाहिर है सास भी जो बहू को बेटी की तरह मानती है वो भी बहुत इमोशनल है। दोनों मतलब एक जर्नी दिखाई है उन्होंने कि एक गोद भराई की रस्म है जो होने जा रही है, जो जनरली मुस्लिम घरानों में नहीं की जाती क्योंकि ये एक हिंदू रस्म है, एक सब कॉन्टिनेंटल रस्म है, इसका मुस्लिम कल्चर से, मुस्लिम रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ भी की जाती है, लेकिन वो मतलब जो एड है वो बहुत ही इमोशनल मोशन पे चली जाती है। जब बहू वो तैयारियाँ देख रही है और वो अपनी सास की तरफ बड़े प्यार से देख के कहती है कि ये आपके घराने में तो माँ ये रस्म है ही नहीं, तो फिर आप ये क्यों मना रही हैं? और वो जो माँ है, जो मुस्लिम माँ है, वो बड़े प्यार से के जवाब देती है कि बहू की खुशी भी, बेटी की खुशी भी जो है वो हर घराने का एक ही एक रस्म है, और उस खुशी की खातिर किया जा रहा है सब कुछ। अब इसमें मसला क्या है? मसला उस हिंदू माइंडसेट को है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े ही नहीं हो सकते। चले हम रिलीजन की बात तो बाद में करेंगे, पहले अभी इस वक्त इंडिया में बेतहाशा तनकीद चल रही है कि मुस्लिम घराने में हिंदू लड़की दिखाई क्यों?
इस बात पे एतराज नहीं है कि मुस्लिम घराना दिखाया, इस बात पे एतराज नहीं है कि लड़की दिखाई हिंदू, इस बात पे एतराज नहीं कि गोद भराई की रस्म हो रही है। एतराज इस बात पर है कि एक हिंदू लड़की किस खुशी में एक मुस्लिम घराने की बहू दिखाई गई और उसको इतने प्यार से ट्रीट करता दिखाया गया कि एंड पे बहू के गले में बहुत ही हैवी सोने का हार डाला जा रहा है और सास बड़े प्यार से बड़े लाड से उसे गले में पहना रही है। ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट है दरअसल जो इंडिया की साइकोलॉजी की जड़ है, यानी वो बर्दाश्त नहीं है उनमें, सेक्युलरिज्म उनमें है नहीं। वो चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे हिंदू, चाहे सिख हों, चाहे पारसी हों, चाहे क्रिश्चियंस हों। आप देखें ओवर द ईयर्स आपने देखा है कि इंडिया में टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजन्स नहीं है। इसके बाद यानी ये सब हुआ, उसके बाद जो लोग एड में मौजूद थे उन सबको डेथ थ्रेट्स मिले, यानी उनको फ़ोन कॉल्स गईं, उनके घरों के मुहासरे किए गए, पथराव किया गया, उन्हें इस हद तक जिज किया गया कि उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी टाटा ग्रुप से कि इस एड को ऑफिशियली उतार दिया जाए और कह दिया जाए कि भाई हम इस एड से किसी की दिलाजारी नहीं करना चाहते थे। अब आप ये देखें कि एक 15 सेकंड की एड से किस तरह मुजतरब हो गया है हिंदू माशरा। तो सोचिए ज़रा कि जब बाकी रिलीजन्स इंक्लूडिंग मुस्लिम्स जब वो लोग वहाँ पर अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो कितना इज़्तिराब पैदा होता है, तो कितना एजिटेशन नज़र आती है। पिछले कुछ अरसों में आपने देखा है दिल्ली रायट्स के अंदर, मतलब दीपिका पादुकोण अगर आकर मुसलमानों के साथ खड़ी हुई तो उसकी फिल्म जो कि एसिड अटैक्स के बारे में थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका अभी, उसको कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया गया। जो भी अच्छा, और हैरत की बात यह है कि जितने लीडिंग फिल्म का नाम याद आ गया छपाक, बड़ी अच्छी फिल्म है, आई वॉच दैट, और एसिड अटैक्स के बारे में, और बड़ा एक मोटिवेशनल फिल्म है, उसको ज़रूर देखा जाए। जो मैं बात कर रही थी वो ये थी कि अगर आप देखें तो इस वक्त उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मोस्टली मुसलमान, शाहरुख खान ले लें, आमिर खान ले लें, सलमान खान ले लें, उसके अलावा आपके पास जितनी भी सैफ अली खान ले लें, मतलब फीमेल्स में अगर आप देखें सारा अली खान है, और भी मुस्लिम एक्ट्रेसेस हैं जिनको जो बहुत प्रॉस्पर कर रही हैं, क्वालिटी का काम कर रही हैं, कॉन्टेंट दे रहे हैं। जब आपको क्वालिटी चाहिए, आप मुसलमानों को अपने सर पे बिठाते हैं, उनको अपनी बॉलीवुड का शहंशाह बनाते हैं, लेकिन उन्हें रियलिटी में, अपने फैब्रिक ऑफ सोशल नेटवर्क में आप उन्हें जगह नहीं देते। ये कैसा सेक्युलर भारत है, ये कैसा सेक्युलर इंडिया है जहाँ रिलीजियस स्पेस नहीं है। एक ऐड ने इतनी परेशानी खड़ी कर दी कि आपको उसे हटाना पड़ा। खैर, इस चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पर हमारे माशरे की भी एक बात ऐड करना चाहूँगी। उसमें कोई सेक्युलरिज्म नहीं है, लेकिन उसमें क्योंकि गाला की एड में सवाए डांस के कुछ और नहीं था, कोई हार्मनी नहीं थी कंटेंट और फूड आइटम की, दैट इज़ वाई उस एड के अगेंस्ट इतना वो जो बढ़ चढ़ के बात की गई। और वैसे मतलब मुझे भी उस एड में कोई इतनी वो नज़र नहीं आई रेलेवेंस, यानी अगर बिस्किट है तो उसका ताल्लुक नाच गाने से नहीं है, थोड़ा बहुत नाच गाना हो तो समझ भी आता है, इट वॉज कम्प्लीटली लाइक दैट। एनीवेज, ट्विटर पे ट्रेंड चला लव जिहाद। क्या है कि हिंदू माशरे का ये एक वर्ड है जिसे मैं ऐसे एक्सप्रेस करना चाहूँगी कि इंडियन माशरे में ये कहा जाता है कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मोहब्बत के जाल में, शादी करते हैं मुसलमान करते हैं, क्योंकि मुस्लिम कल्चर में, मुस्लिम रिलीजन में आप हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकते, अहले किताब होना ज़रूरी है। लिहाजा लव जिहाद का ये टर्म दे दी गई है कि ये जो मोहब्बत करके फंसाया जाता है, फिर इस तरह से जिहाद किया जा रहा है, इसे लव जिहाद कहते हैं। ठीक है जी, अब मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप बताएं क्या 10-15 सेकंड की इस एड से कोई फ़र्क पड़ता। अब मैं आपसे पूछती हूँ, मेरा सवाल आपसे है, 13-14 सेकंड की एड क्या इतने बड़े माशरे को इतना इनसिक्योर कर सकती है कि ट्विटर पे ट्रेंड चले बैन तनिष्क, बैन लव जिहाद, इतना हेट स्पिल किया जाए? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपका तज़िया क्या है।